सब जनता का आदेश है तो हम आ रहे हैं नवादा लोकसभा से। पार्टी बहुत जल्द हो जाएगा क्लियर, 2-3 दिन में जो कुछ भी होगा किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही अच्छा जगह है ये जोड़ा महादेव भिट्ठी सबौर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग ऑर्गेनाइजर जो हैं हमारे अरविंद भाई से लेकर के सभी लोग जितने भी भाई हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित किए, बहुत अच्छा लगा जा करके यहाँ पे। महिलाओं का भी बहुत भीड़ है, भाई बहन युवा सब एकदम झूम रहा है। सब लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखे और सब लोग खुश रहे स्वस्थ रहे, हम लोग पे आशीर्वाद बनाओ। अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं अरविंद बाबू, गर्दा उड़ा दिए और इनका प्यार है। बुकिंग करने आए थे उस समय, इधर आ जाइए। इतना इनका दिल में श्रद्धा था कार्यक्रम के लिए, इतना मतलब उत्साहित थे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम। अब दिल्ली से आकर के डायरेक्ट इनके कार्यक्रम के लिए आए हैं, फिर सुबह हम निकल जाएंगे। पूरा अभी चल रहा है चुनाव का तैयारी है, उसमें समय निकालना अरविंद बाबू समझिए रहे हैं। आदमी टिकट पे लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, बाकी सब ईश्वर का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद साथ में। ये तो सब जनता का आदेश है तो हम आ रहे हैं नवादा लोकसभा से। पार्टी बहुत जल्द हो जाएगा क्लियर, 2-3 दिन में जो कुछ भी होगा किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे। अब अपना परिचय हम क्या, अरे सबका आशीर्वाद है। गुंजन सिंह आप सबका बेटा, आप सबका भतीजा है, भाई है, परिवार है। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, सभी कलाकारों को बनाए रखिए। नवादा में भी एक छोटा सा घर बनाएंगे, नहीं तो मेरा घर तो नहीं है नवादा लोकसभा के गोविंदपुर प्रखंड में। आज ही हम सब बैठ वहाँ मिले जुले सबसे जाकर के, तो हम मेरा घर तो पहली है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं रह के विकास करेंगे नवादा का। दिल्ली में जब लोकसभा चलेगा उस समय वहाँ रहेंगे, लेकिन बाकी जब भी रहेंगे नवादा में ही रहेंगे और विकास करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर पैसा कमाना होता तो फिल्मी दुनिया से बड़ा क्षेत्र कुछ ना, हम उधर सब कुछ कर लिए। ये सेवा के भाव से इसमें आ गए, कितना गली में गर्दा उड़ रहा है, कितना धूल में अभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो हम सोच लिए कि नवादा को विकसित करना है, चमकाना है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि राजनीति में आप पहली बार कदम रखे हैं और इतने बड़े पद से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी राजनीति का अनुभव नहीं रहा आपको और डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव लड़िएगा, कैसे आपका कोई राजनीतिक गुरु है इसके पीछे भी कैसे? देखिए मनोज भैया के, मनोज तिवारी भैया के जब चुनाव जीते क्या था, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया के देखिए हम लोग यूपी तक जाके प्रचार किए। एक दिन जाके दिनेश लाल यादव भैया की यूपी में जाके प्रचार किया। तो हम लोग अभिनेता जो होता है भैया, हम लोग सब जनता को तो पहले से देखते आ रहे हैं, यही है कि बिहार यूपी झारखंड के जनता से मिलते जुलते आ रहे हैं, पूरा को संभालना समझ रहे हैं, कितना आबादी हो जाता है। तो नवादा लोकसभा में 15-20 लाख वोटर होंगे, ये हमारे लिए पुराना है समझिए। जो अभिनेता बन गए वादा नेता पहले से रहता है, क्योंकि सबको देखना पड़ता है, केकरो दुख ना लगे, केकरो साथ फोटो खींचाए, केकरो साथ ना खींचाए। तो हम शुरू से ही डांस पूरा